राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक सोनालिका ट्रैक्टर्स अधिकृत विक्रेता में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स प्रोपाइडर बीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड सागर मध्य प्रदेश। सिंधी जिला महापंचायत के नाम से समांतर संगठन बनाकर स्वयं भू अध्यक्ष बनकर समाज को कमजोर करने में लगे कमल हिंदुआ के खिलाफ अब पूज्य पंचायत सिंधी समाज के द्वारा लामबंद होकर मोर्चा खोल दिया गया है, जहां उनके संगठन को फर्जी करार देते हुए समाज के लोगों ने उनके खिलाफ अब कानूनी कार्यवाही का मन बना लिया है। मामले को लेकर पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष के द्वारा समाज के पदाधिकारियों की मौजूदगी में एक वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सीधे तौर पर नया संगठन बना अध्यक्ष बनाए गए कमल हिंदुजा को चुनौती देते हुए उनके साथ समाज के कुछ और लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके द्वारा समाज में फैलाए जा रहे भ्रम पर आपत्ति दर्ज कराई और उन्हें फर्जी करार दिया। इस मामले में समाज के अध्यक्ष के मुताबिक सुशील बजाज एवं कमल हिंदुआ के द्वारा समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी लगाया, साथ ही उनके द्वारा समाज में फैलाए जा रहे दुष्प्रचार पर रोक नहीं लगाने पर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही। इस मामले में खुलकर समाज के अंदर जारी गुटबाजी को उजागर कर दिया है, जहाँ समाज में सीधे तौर पर दो गुट नजर आ रहे हैं, जिनमें अब समाज की बागडोर अपने गुट के पास हो वर्चस्व की लड़ाई सामने आ रही है। बहरहाल मामले में कमल हिंदुजा पर लग रहे आरोप पर जल्द ही उनके द्वारा भी मामले में अपना पक्ष रखने की बात कही जा रही है, जिसके बाद सिंधी पंचायत समाज के अंदर छिड़े संग्राम का क्या निष्कर्ष निकलता है देखना लाजमी होगा। उद्देश्य ये था सर के हमारी पूज्य पंचायत ऑलरेडी है, कुछ असामाजिक तत्वों ने समाज के ही इस पंचायत को नीचे दिखाने के लिए अपनी एक स्वयंभू पंचायत का गठन कर लिया, जिसे उन्होंने नाम दिया जिला महापंचायत, जबकि जिला महापंचायत की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्होंने बीना और खुरई को भी अपने साथ बुलाकर उनके कहे अनुसार, जबकि ये फर्जी महापंचायत है, हम लोगों ने वहाँ पर बीना और खुरई जाकर ये पता किया। उन्होंने कहा भाई हमारा कोई उनके साथ अनुबंध नहीं है, ना ही हमारा उनको कोई समर्थन, हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। उन्होंने लिखित में हमें लेटर पेट पर कहा कि हमारी पूज्य पंचायत केवल आप हैं, आप ही मुखिया हैं और आप ही अध्यक्ष हैं। ये सर सुशील बजाज और कमल हिंदुजा हर्ष कराना वाले, इन्होंने समाज को शुरू से ही भ्रमित रखा है और टूट फूट की राजनीति में शुरू से ही ये शामिल रहे, और हम लोगों ने इनका गलत बातों का विरोध करना शुरू किया तो ये हमारे खिलाफ हो गए। अब ऐसे में क्या निर्णय लिया गया है? निर्णय ये लिया गया अगर वो अभी भी सतर्क नहीं हो रहा है या अपने महापंचायत को शून्य नहीं कर रहे हैं तो हम लोग कानूनी कार्रवाई 420 का उनके ऊपर मामला कायम करेंगे। अब सिंधी समाज द्वारा एक आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आपने एक अपनी खुद की पर्सनल सभा गठित करके और सिंधी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, आपके ऊपर 420 का मामला दर्ज होगा, ये क्या मामला है? पहली बात तो सिंधी समाज आरोप ही लगाया गया है, जो पर्सनल आरोप लगाया है तो 400 की बात करने वाले उतने तंबू नहीं है, उसको खुद रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो क्या लगाएगा जी, क्या सोचेगा, सपने नहीं सोच पाएगा। हम तो रजिस्टर्ड और काम करने वाले हैं, क्योंकि समाज कुछ लोग आके हमसे बोले तो भैया समाज गंदा हो चुका है, कुछ आगे बढ़ के हवा है, कुछ लोग गंदगी कर रहे हैं, उसको सीधा करना है, तो सब आगे आए, अब आगे हैं, बस समाज की चीज़ें समाज के बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने गलती की जाकर गलत चीज़ है वो चीज़, उसने कुछ हमारे सम्मानी हैं जो बजाज जी उनको समाज से बाहर निकाला, उनने गलत चीज़ का विरोध किया, पेड़ कटवाए इनने, कुछ गलत काम कर रहे थे लेंदर बाजार का, कुछ समाज के लोगों को बढ़ती ऐसे अभी बातें हो रही थी, उनको समझाने गए तो उनको समाज से बाहर निकाल लिया, इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग लोग सामने आके बोले आप आगे आए आपको एक करें, इससे समाज युवा समाज अंदर रहे, आगे किसी समस्या ना आए, इसीलिए पंचायत है वो सागर स्तर की है, वो सागर के लिए है, वो सर्वोपरि रहेगा। हम लोगों को गठन हुआ है, ये सागर जिले का हुआ है, वो जो कह रहे हैं कि बीना पंचायत का वो नहीं है, बीना पंचायत के अध्यक्ष हैं, हमारे सदस्य हैं मेन, दूसरे नंबर नाम लिखा उनका, वहाँ के लोग, खुरई के लोग, देवरी के लोग, गड़ा कोटा सब इसमें नाम, इसमें हमारे जो कागज़ हैं जी दे सकते हैं, सबके मतलब मोबाइल नंबर हर चीज़ में उपलब्ध है, बाकी जैसी फालतू चीज़ें हैं कि वो करेंगे गलत चीज़ें हैं, समाज की बात यहाँ अंदर रहना चाहिए, बाहर बैठ कर समस्या है तो बैठ के अंदर बात करो, आप समझ में क्या होता है,
जैसे कि उनने लगाया कि आपके वो न्यायालय तक जाएंगे आपके ऊपर जो नहीं, वो नहीं जा सकते, लेकिन जिसको निकाला गया समाज से वो गया चुका है, तो उनका उनको समझाया क्या होता है न्यायालय का, तब जाना चाहिए उनको खुद रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्ट्रेशन नहीं है उस बात से उनको किसी बात नहीं करना चाहिए, शोभा नहीं किसी बात करने का उनको। Thank you.